आज पूरे हरियाणा के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा का युवक, पढ़ा लिखा युवक मजदूरी कर रहा है और मजदूरी भी उसको समय पर नहीं मिल रही है। आज बेरोजगारी की वजह से इस प्रदेश में युवक नशे के रास्ते पे चल पड़ा। हर गांव के अंदर एकांत स्थानों पे सिरिंज पड़ी हुई मिलती है। कहीं शराब का नशा है तो कहीं चिट्टे का नशा है, कहीं इंजेक्शन के द्वारा नशा लिया जा रहा है। युवक अपराध के रास्ते पे चल पड़ा। अखबारों में सुर्खियों में छपता है कि हरियाणा के अंदर शार्प शूटर सबसे सस्ता मिलता है, वो भी नाबालिग। हरियाणा का युवक डिप्रेशन के रास्ते पे चल पड़ा है और डिप्रेशन का शिकार होके आत्महत्या तक के रास्ता हरियाणा के युवक ने अपनाया है। परंतु खट्टर सरकार कान पे जू नहीं रिंगवा रही है। 2 लाख सरकारी पद, स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं करा रही है। कुछ भर्तियां करती है तो रोजगार कौशल निगम में, जहां पे उसको पूरी सैलरी नहीं मिलती। अपराध बेरोजगारी की वजह से इतना बढ़ गया कि नए उद्योग हरियाणा के अंदर आ नहीं पा रहे। जब नए उद्योग नहीं आते तो फिर बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। कुछ दिन पहले गोहाना के अंदर 35 राउंड फायर के करके 2 करोड़ रुपए की फिरौती की पर्ची फेंकी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब तक हरियाणा के अंदर ये गोलियां चलती रहेंगी और यहां के व्यापारी डर के भागते रहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हरियाणा का युवक किस तरह ये बेरोजगारी के चरम सीमा पे पहुंच के अपनी जमीन बेच के गलत रास्तों से विदेश की तरफ मुंह करता रहेगा। मैं आज ये पूछना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर जी आपसे, आप शांतिपूर्ण देशों के अंदर तो कोई अनुबंध नहीं कर पाए। हरियाणा के पढ़े लिखे युवक को मजदूर बना के आप इजराइल भेज रहे, जहां पे युद्ध के कारण सारी दुनिया के लोग अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। सेम सेम। और जब युवकों से पूछा गया कि इजराइल क्यों जा रहे हैं, कि घर वाले भूख से मर रहे हैं, नौकरी है नहीं, तो भूख से अच्छे मरना है कि गोली से मर जाए। आज हरियाणा की युवाओं की आवाज में आवाज मिलाने के लिए प्रदेश भर से हजारों साथी यहां पे पहुंचे हैं मनोहर लाल खट्टर जी के घर का घेराव करने के लिए, मनोहर लाल जी को बताने के लिए कि नकारात्मक बीजेपी सरकार हरियाणा के युवकों को बेरोजगारी के इस आलम पे पहुंचा चुकी है। आज हम उनका यहां पे घेराव करेंगे और उस घेराव के बीच के अंदर इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे।